नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल सरगम रिकॉर्ड्स पर। दोस्तों मैं आपका अपना होस्ट एंड दोस्त अजीत शर्मा। दोस्तों सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप हमारे सभी वीडियोस को इतना लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आगे शेयर भी कर रहे हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों रामायण हो, महाभारत हो या हो श्री कृष्णा, इन सभी की जानकारी हम आप तक हर रोज़ लेके आते हैं। हर रोज़ हमारा एक वीडियो नया आता है आपके लिए। अतः वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा संदेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहले से हमारे चैनल को देख रहे हैं फिर भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमें पता लगा है कि हमारे 70% व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा और बेल आइकन को भी नहीं दबा रखा। तो अच्छे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए तो आगे भी शेयर करें, क्योंकि हम अध्यात्म से जुड़े हुए रामायण सीरियल की अनसुनी बातें आप तक साझा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया वीडियो, और वीडियो में क्या होने वाला है देखिए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम रामायण सीरियल की अनसुनी बातें हर रोज आपके लिए लेके आते हैं, लेकिन आज का वीडियो रामायण से जुड़ा नहीं है। आज हम बात करेंगे अमर शहीद खुदीराम बोस के बारे में। हिंदुस्तान की धरती, सूरवीरों की धरती, अमर शहीदों की धरती। हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे शहीद हुए जिन्होंने अपनी भारत माता के लिए खुद का बलिदान दे दिया, फांसी के फंदे पे हंसते हंसते अपनी जान दे दी। आज हम बात कर रहे हैं अमर शहीद खुदीराम बोस के बारे में। मात्र 19 साल की छोटी सी उम्र में ये भारत माता के लिए शहीद हो गए, वो भी हंसते हंसते। चलिए बताते हैं एक किस्सा, जब खुदीराम बोस को फांसी के तख्ते पर ले जाया जा रहा था उससे एक दिन पहले का। खुदीराम को 11 अगस्त को फांसी की सजा सुना दी गई। 10 अगस्त को जेलर उनके पास आया और आके बोलता है कि खुदीराम मैं तुम्हारे लिए आम लेके आया हूँ, तुम आम खा लो। खुदीराम को उसने 4 आम दिए। अगले दिन सुबह 5 बजे जेलर खुदीराम के पास आया। उसने देखा कि रात को दिए गए आम खुदीराम ने नहीं खाए। जेलर ने इसका कारण पूछा तो खुदीराम ने कहा, जिसको इस बात का पता है कि अगले दिन उसको फांसी लगने वाली है तो उसे आम कहाँ अच्छे लगते हैं। जेलर ने खुदीराम से कहा, कोई बात नहीं, तुम आम मत खाओ, वो आम कहाँ है मुझे दे दो, मैं खा लेता हूँ। और खुदीराम ने वो 4 आम जेलर को पकड़ा दिए। और जैसे ही जेलर आम खाने लगा तो खुदीराम जोर जोर से हंसने लगे। खुदीराम का हंसने का कारण ये था कि जो आम उन्होंने जेलर को दिए वो पहले ही चूस चुके थे, उसकी गुठली निकाल कर उसमें हवा भरकर उन्होंने जेलर को दे दी थी। ये बात सुबह 5 बजे की है और 6 बजे उनको फांसी लगनी थी। इससे ये सिद्ध होता है कि मौत के अंतिम वक्त भी वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चले गए। देश के ऐसे सूरवीरों को सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत। आपसे एक छोटा सा निवेदन, इस वीडियो को आगे भी शेयर करें और हिंदुस्तानी होने का फर्ज अदा करें। चलिए मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।